कितने भेजा है आपको? मेरे आपके पप्पा ने भेजा है? देखो ऊपर तो देखो, ऐसा सब डर जाएंगे आपसे सारे फ्रेंड्स। बोलो ये तो टाइगर आ गया भाई, ये टाइगर का पप्पो ने भेजा भाई इसको। मैं मम्मी को बुलाया है तो गए थे मैं। क्या बोल रहे हो कैमरा में तो देखो, समझ ही नहीं आ रहा है मम्मा को। मम्मा स्कैरी हो गई है, मम्मी को बुला रहे हो। दूर तो जाओ, कैमरे में घुस रहे हैं आप। अच्छा आ जाओ बस। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं, मज़े में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सेहत के साथ रखे, आमीन। और जी सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो पर आने के लिए, कमेंट करने के लिए, कमेंट करने के लिए और वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम बना रहे हैं मटर पुलाव, उसके लिए मैंने प्याज को कट कर लिया है, मटर और आलू भी वॉश कर कर मैंने पानी में डाल दिए हैं, तो ये जब तक थोड़ा सा अच्छे हो जाएंगे। और साथ में यहाँ पर मैंने इंग्रेडिएंट्स लिया है, हरी मिर्चें हैं, लहसुन है और अदरक है, इसको मैं फ्रेशली ब्लेंड कर लूँगी तो उससे जो है ना पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर मैं ऑयल भी गर्म होने के लिए रख देती हूँ, जब तक ऑयल गर्म होगा मसाला भी पीस लेंगे हम लोग, और उस मसाले में साथ में सॉल्ट भी ऐड कर दूँगी तो अच्छे से पीस जाएगा वो और पुलाव के लिए बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए ऑयल गर्म हो रहा है, ये प्याज मैंने कट करके रखी है, इसमें डालूंगी जब तक ये मसाला हम पीस लेते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसके अंदर, आप चॉपर में भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो पीस के हम डालते हैं ना मसाला, उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है फ्रेश फ्रेश। तो यहाँ पर मैंने अनियन डाल दी है अंदर, इसको हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, सोटे करेंगे, जस्ट लाइट सा, बस ये सॉफ्ट हो जाएगी। इसमें हम मटर और आलू ऐड कर देंगे, फिर जो हमने मसाला पीसा है वो डालेंगे और साबुत गर्म मसाले सारे डाल देंगे। देन यहाँ पर योगर्ट भी मैंने बीट कर लिया है, ये देखें बीट कर रही हूँ, तो ये बीट कर योगर्ट भी डाल देंगे और इसके अंदर जो ये मसाले का पानी बचेगा ना, वो भी हम योगर्ट के अंदर डाल देंगे। मसाला पहले डालेंगे, योगर्ट का पानी हम उसमें मिलाकर बाद में डालेंगे। ये देखिए इस तरह से ये सारा हमने डाल दिया है, सारे साबुत गरम मसाले डाले हैं, दो तीन हरी मिर्च साबुत भी डाली हैं खुशबू के लिए। तो ये यहाँ पर डाल के हम इसको कवर कर देंगे, देन 5 मिनट के बाद हम इसमें योगर्ट भी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये योगर्ट के अंदर मैंने उसका पानी डाला है जो मसाला पीसा था उसका, आप समझ आया होगा आप लोगों को शायद। तो ये इसका पानी डाल दिया है और ये इसके अंदर योगर्ट भी डालने लगे हैं। देन इसको बस कुक होने तक पकाएंगे, गलने तक, कि ये आलू अच्छे से गल जाएंगे और मटर भी गल जाएंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि फ्रोज़न मटर है तो ये जो जल्दी गल जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता फिर उसमें। तो ये डाल दिया है मैंने, सॉल्ट भी डाल दिया था साथ में और सारे गरम मसाले जो भी होते हैं, स्टार, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और जो भी गरम मसाले होते हैं वो सब डाल रहे हैं। ठीक है, ये डाल दिया, अब हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए कवर कर दिया है मैंने। अच्छा यहाँ पर इसमें अब माशाल्लाह से जोश आने लग गया। ये दो गरम मसाले मैं डालना भूल गई थी, बेलीज और सिनेमन स्टिक, तो ये भी साथ में ऐड कर देंगे। इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है पुलाव के अंदर। तो यहाँ पर हमारा सालन भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है पुलाव के लिए। देन अब राइस डालने लगेंगे। देखिए राइस के लिए मैंने पानी डाल दिया, राइस का नमक डाल दिया है, राइस डाले हैं, चिकन पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है मैंने और ये हरा धनिया और पुदीना भी डाल दिया है इसके अंदर। देन इसके अंदर सॉल्ट मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसको दम पर रख देंगे। यहाँ पर हम इसको बस अब हरी मिर्च डालेंगे ऊपर से और देन नमक मैंने चेक कर लिया है, परफेक्ट है। तो ये देखिए हरी मिर्च डाल दी मैंने ऊपर 2 से 3 और अब इसको फ़ौरन कवर कर देंगे। तो फिर जैसे ही हम कवर हटाएंगे ना, वो हरी मिर्च की जो खुशबू आती है वो बहुत ज़बरदस्त आती है पुलाव के अंदर। तो ये मैंने हरी मिर्चें ऊपर से ऐड कर दी हैं और ये पुलाव में दम आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, पुलाव रेडी है। बिल्कुल सिंपल और बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये बनने वाला मटर पुलाव। और ये हुदा का और हमदान का तो भाई माशाल्लाह से मोस्ट फेवरेट है, हमें भी पसंद है, अच्छा लगता है माशाल्लाह से, क्योंकि डिफरेंट टेस्ट हो जाता है थोड़ा मटर से, अच्छा लगता है। ये देखिए डिश आउट कर दिया है मैंने माशाल्लाह और ये मटर पुलाव रेडी। अगर आप चाहें तो ऊपर से ब्राउन अनियन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज स्किप कर दी है ब्राउन अनियन, तो ब्राउन अनियन से भी ये बहुत अच्छा लगता है, साथ में रायता भी बना दिया है मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।